तो गाइस जैसे कि बता दो, रिसेंटली हमने वीडियो डाला था दैनिक भास्कर पे जिसमें आपने अपना प्यार दिखाया। तो गाइस बहुत ही बढ़िया, मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह हमारे सारे वीडियोस को एक बार जाके जरूर देख ले। मैं वो सारी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, आपको जाके वहां पे लिंक मिल जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो आपको बताने वाले हैं दैनिक भास्कर जीतो 21 करोड़। मैं आपको बहुत सारे आपको मतलब उस फॉर्मेट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट हुए हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं हमारे वीडियो में, तो गाइस उस सारे क्वेश्चंस का आज की इस वीडियो में आपको जवाब देने वाला हूं। तो गाइस मैं सिर्फ अविनाश चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब्सक्राइब करें टेकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस और पिक्सा ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए, जैसा कि ये है हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है दैनिक भास्कर का। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं कि हार्दिक ठाकुर जी ने पूछा है, इनका क्वेश्चन है ओटीपी के लिए कौन सा नंबर पर एसएमएस करना पड़ेगा। तो इसके लिए बात करें तो अभी दैनिक भास्कर ने वैसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लाई है, तो इसके लिए चलिए आपको मैं बता दूं कि दैनिक भास्कर के पेपर में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो छपी थी उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नियम व शर्ती के बारे में बात करें जो कि दैनिक भास्कर ने छपा था, आपको ओटीपी से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। जैसे कि पढ़ सकते हैं, लिखा है कि हर प्रतिभागी को शहर और क्षेत्र का नाम जहां पर वह फॉर्मेट जमा करने और निश्चित उपहार लेने के इच्छुक हैं की जानकारी हमें 20 दिन पहले एसएमएस के माध्यम से देनी होगी। इस एसएमएस को भेजने पर एक ओटीपी प्रतिभागी के मोबाइल नंबर पर आएगा जिसे फॉर्मेट जमा करते समय दिखाना होगा। इसकी अधिक जानकारी दैनिक भास्कर के आगामी अंकों में दी जाएगी। जैसा कि आपने कुछ समझा कि ओटीपी के बारे में क्या लिखा गया है कि अगर आप इसका मतलब पूरे कूपन छपने के बाद इस फॉर्मेट को सबमिट करेंगे तो क्या होगा, सबमिट करेंगे तो आपको वहां से एक ओटीपी मिलेगा, आपको उस ओटीपी को 20 दिन पहले मतलब एसएमएस के माध्यम से देना होगा, आपको उस ओटीपी को एक एसएमएस पे भेजना होगा। आखिर एसएमएस किस नंबर पर भेजना है, इसके लिए दैनिक भास्कर हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपको बताएंगे ओटीपी के बारे में पूरी डिटेल अपने इस टेकी के सिर्फ ब्रॉस चैनल पे। अभी तो हमारे लिए ओटीपी के लिए यही जानकारी है, जो जानकारी मैंने भी आपको पढ़ के दिखाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं, यहाँ पर ऑल न्यू मूवी करके इनका चैनल है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि निश्चित उपहार पाने के लिए एसएमएस क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपको उपहार लेना है तो 20 दिन पहले ही आपको दैनिक भास्कर एक नंबर देगा, उस नंबर पर एसएमएस भेजना पड़ेगा। वो नंबर के लिए हम चैनल से बने रहिए, कोई भी अपडेट आएगी तो आपको पहले मिलेगी। और क्या एसएमएस करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, तो आप उसे देख लीजिएगा, अच्छे से आपको पता चल ही जाएगा कि क्या एसएमएस करना था। तो चलिए अब अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं अगला कमेंट है, यहाँ पे मुस्तफ़ा बोरा जी का कमेंट है, जिन्होंने लिखा है कि इंदौर के लोगों को कभी भी प्राइज मिलता है नहीं, पार्टिसिपेट्स क्या करें। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, बात करें तो दैनिक भास्कर की ये जो जीतो 21 करोड़ की जो योजना है, ये योजना आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में लागू होगी। और भाई बात करें कि आप बोल रहे हो कि आपको पार्टिसिपेंट्स को क्यों नहीं मिलता है प्राइस, तो बात करें जो दैनिक भास्कर ये जो योजना लाता है, तो इसमें वो पार्टिसिपेंट्स को लकी ड्रॉ के माध्यम से चुना जाता है। तो जो लकी ड्रॉ के माध्यम से या फिर कुछ ही लोगों को प्राइज इसमें मिलता है, तो अगर आप भाग्यशाली होंगे तो आपको इसमें प्राइज जरूर ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं, जैसे कि बात करें के एस, तो इन्होंने पूछा है कि टोटल कितने कूपन आएंगे, तो चलिए इनका जवाब देते हैं। तो जैसा कि बात करें तो आप देख सकते हैं, ये हमारा रहा दैनिक भास्कर का फॉर्मेट जो 21 करोड़ का, जिसमें जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में और इसके इंडस्ट्रीन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो जैसे कि इनका क्वेश्चन था कि हमें जीतो 21 करोड़ में कितने कूपन चिपकाने हैं, तो ध्यान दीजिए कि देख सकते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि आपको 1 से लेकर 30 तक का आपको एक स्टैंडर्ड कूपन छपेगा दैनिक भास्कर में, और कूपन किस तरह का छपेगा इसकी भी जानकारी हमने दे चुकी है पहले से। हमने इस पर वीडियो बनाया है कि कूपन आपको, अगर आपका मान लीजिए किसी दिन का कूपन छूट जाता है काटना, और मान लो किसी दिन का कूपन आपका कब छपा, इसके बारे में हमने वीडियो पहले से बना चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा और इंडस्ट्रीन में भी आप जाके वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस पे, तो बात करते हैं, देख सकते हैं इसमें आपको 30 स्टैंडर्ड कूपन चिपकानी है, और बात करें उसमें से नीचे की, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 5 उसमें से मास्टर कूपन चिपकाना है। तो जी बात रहा कि टोटल आपको इसमें 35 मतलब 35 कूपन चिपकाने हैं आपके अपने जीतो 21 करोड़ में, और ये रहा आपका फॉर्मेट जिस फॉर्मेट पे चिपकाना है। जैसा कि अब आगे पढ़ सकते हैं, अब नईम खान जी, नईम खान जिनका प्रश्न है, मेरे कूपन नंबर 1 और 2 नहीं आए,
तीन आया है, फिर 30 कैसे पूरा होंगे सर जी? कूपन तो नंबर वाइज आएंगे ना? हाँ हाँ नईम खान, जैसे बात करूँ तो कूपन तो आपका नंबर वाइज ही आएगा, और अगर एक दो कूपन अगर आपको नहीं आया हो तो इसके लिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस टॉपिक पे पहले ही वीडियो बना दिया है, जिस टॉपिक में हमने बताया था कि जो कूपन अगर आपका मिस हो गया, आपने कूपन नहीं काटा है तो कूपन किस दिन किस तारीख को कूपन छपा है, आप जहां से आप जाकर के उस डेट का लाइन पास कर ले सकते हैं और वहां से भी कूपन छाप सकते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए हमसे बने रहिएगा, नहीं तो एक और काम आप कर सकते हैं, आप हमसे बने रहिए, क्योंकि दैनिक भास्कर हो सकता है दोबारा से सारे कूपनों का प्रकाशन एक साथ वो कर दे, और हो सकता है कि दोबारा नया फॉर्मेट भी लाए, तो ये सारी जानकारी के लिए हमसे बने रहिए। आपका दूसरा प्रश्न था कि कूपन 30, तो जी हाँ कूपन 30 नहीं, जैसे कि हमने अभी बताया कि 30 तो स्टैंडर्ड कूपन चाहिए, जिसमें से और 5 आपको उसमें मास्टर कूपन लगेगा, मतलब बात करें तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे 35 कूपन की आवश्यकता होगी। और ओटीपी के लिए तो गाइज, ओटीपी के लिए मैं आपको क्या बताऊँ, ओटीपी के लिए तो मैंने आपको बताया था वो जो कि छपा था दैनिक भास्कर में, और भी पूरी जानकारी के लिए हमसे बने रहिए, जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देख सकते हैं जैसे कि अगला प्रश्न आ रहा है सौरभ राजगीत जी के तरफ से, इनका प्रश्न है कूपन जमा होने पर फॉर्मेट कहाँ जमा करना है? तो इसके लिए भी गाइस जैसा कि बात करें तो हमसे बने रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले दैनिक भास्कर अपने सारे कूपनों को प्रकाशित कर देगा, कूपन को प्रकाशित करने के बाद वो अपना फिर से एक दोबारा फॉर्मेट लाएगा, दोबारा फॉर्मेट लाने के बाद फिर से वो जब उसका कम्प्लीट हो जाएगा ये, तो उसके बाद वो अपडेट लाएगा कि कब कूपन सबमिट होगा। तो आपको इसमें भी टेंशन नहीं लेनी है, हमारे चैनल से बस बने रहिए, जब भी ऐसा आएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भगवान सिंह रावत जी का प्रश्न है, सर जी क्या अभी हम इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं? यदि कूपन नंबर 1 से मिस हो गया है तो बीच में जिसे जैसे 10-11 से शुरू कर सकते हैं? तो जी इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, अगर आपका मिस हो गया है तो हमने एक वीडियो पहले से बनाया है कि ये जो 1 और 2 नंबर जो कूपन है ये किस दिन छपा था, तो उसके लिए भी उस वीडियो का मैं इस वीडियो के ऐप बटन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा, आपको उससे भी देख सकते हैं। और भी बात करें तो दैनिक भास्कर देखिए आपको जनरली क्या करेगा, वो हो सकता है कि एक और फॉर्मेट निकाले, उस फॉर्मेट को निकालने के साथ ही साथ वो कुछ उसके साथ कूपनों का भी प्रकाशित कर सकता है, तो उसकी जानकारी के लिए भी हमसे बने रहिए, आगे की वीडियो में हम इसकी जानकारी आपको अवश्य देंगे। तो जो जी चलिए बात करते हैं आगे, अमित कुमार जी का प्रश्न है कि अगर एक कूपन मिसिंग होता है तो क्या करें? तो अगर बात करें इसमें एक कूपन मिसिंग होता है तो कूपन सबमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बात करें तो इस कूपन में दैनिक भास्कर में जनरली 30 कूपन छपेंगे, 30 स्टैंडर्ड कूपन और 5 मास्टर कूपन छपा जाएगा, आपको ये 3500 कूपन इसमें चिपकाना पड़ेगा कूपन फॉर्मेट में, तभी आप लकी विनर बन सकते हैं। और इसके लिए बात करें तो दैनिक भास्कर में आगामी के अंकों में हो सकता है कि कोई भी अगर चाहे तो कूपन फॉर्मेट दैनिक भास्कर छाप सकता है, उसके साथ ही साथ वो कुछ कूपनों का भी प्रकाशन कर सकता है। और भी गाइस अगर आपको चाहिए कि एक कूपन अगर आपका मिस हो गया है तो हमने इस पर एक वीडियो बनाया है कि हमने बताया तो सूर्य में कि किस दिन कौन कौन सा कूपन छपा है, अगर आपको भी एक कूपन अगर अपना देखना है कि आपका कौन सा कूपन मिसिंग है तो आप जाकर उस वीडियो को हमारे आई बटन से देख सकते हैं। और भी हमसे बने रहे क्योंकि जो आगामी जो हमारे जो वीक चल रहे हैं, इस वीक में जो भी पिछले जो वीक में जितने सारे कूपन आए थे उन सारे का आपको वीडियो में अगले वीडियो में मिलने वाला है आपको, इसलिए हमसे बने रहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है तालीम खान का है, इन्होंने लिखा है सर मुझे फॉर्मेट नहीं मिला, कूपन तो मिल रहे हैं। तो जी घबराने की बात नहीं है, अगर मैं बात करूं तो हमने एक वीडियो बनाया था, हमने फॉर्मेट का कब छपा था इसका भी डेट उस वीडियो में बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस पे भी एक अगला वीडियो बनाने वाला हूं, आप हमारे चैनल से बने रहे, आपको उस वीडियो में आपका कूपन फॉर्मेट का डेट पता चल जाएगा। और भी बात करें तो दैनिक भास्कर हो सकता है कि अब एक और फॉर्मेट को नया ही फॉर्मेट को वो जल्द ही लाने वाला है, तो उसके लिए भी हमसे बने रहिए, जब भी आएगा तो मैं आपको खबर कर दूंगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यशु शाहू का, इन्होंने लिखा है कि 5 मास्टर कूपन मिल गए तो क्या करना होगा? तो जी ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर 5 मास्टर कूपन अगर मिल गया तो आपको कुछ नहीं करना है, उन सारे कूपनों को संभाल कर रखना है और यहाँ पे दिए गए 5 मास्टर कूपनों में आपको उसे चिपकाना होगा। ये कब चिपकाना होगा? जब आपका कूपन फॉर्मेट कम्प्लीट हो जाएगा पूरे 35 कूपनों का, तो आपको यहाँ पर 30 स्टैंडर्ड कूपन और उसके साथ साथ 5 मास्टर कूपन को यहाँ पे चिपकाने होंगे। अब आगे चलिए तो बात करते हैं विशाल लावण्या जी का प्रश्न यहाँ पर है कि सर अगर फॉर्मेट गुम हो गया तो क्या करें? तो जी बात करूँ अगर फॉर्मेट आपका गुम हो गया है तो हमने इस पर एक वीडियो बनाया था कि फॉर्मेट कब छपा है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख लेना, नहीं तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं, हम अगले ही वीडियो में आपके आगामी इस वीडियो में उस वीडियो में बताऊंगा कि सारे कूपन्स कब छपे थे, फॉर्मेट कब छपे थे, दोबारा से बताऊंगा। और भी बात करें तो दैनिक भास्कर हो सकता है कि अपने आगामी अंकों में नया कूपन फॉर्मेट प्रकाशित कर सकता है, उसकी जानकारी के लिए भी हमसे बने रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देख सकते हैं अब यहाँ पे भाग्यश्री
कर्णावत जी का प्रश्न है कि मुझे 21 जुलाई का न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है सर, कूपन्स मैंने कलेक्ट किए बट फॉर्मेट नहीं मिल रहा है मुझे। तो जी आपको भी कुछ मतलब इसमें चिंता करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 21 जुलाई का न्यूज़पेपर आपको नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर बात करें आपके पास अगर कूपन फॉर्मेट अगर नहीं है तो कूपन फॉर्मेट दैनिक भास्कर जल्द ही प्रकाशित करेगा अपने आगामी अंकों में। इसके लिए दैनिक भास्कर पढ़ते रहिए और हमसे बने रहिए। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा भगवान नरवानी का प्रश्न है, जिनका प्रश्न है कि 11 नंबर का कूपन कब आया था। तो जी इस जानकारी के लिए हमने एक पहली वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में बताया था कि सारे कूपनों का तारीख बताया था और फॉर्मेट का तारीख बताया था कि किस तारीख के दिन दैनिक भास्कर में वो कूपन छपा था। आप जाके वहां से उस कूपन को काट सकते हैं। और भी बताएं तो जो वीकली कूपन जो दैनिक भास्कर छपता है इस पर अगली वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली है, तुमसे बने रहिए। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक प्रश्न दिख रहा है जो कि प्रश्न पूछा गया है वोल्टेज स्पोर्ट्स एच के जी ने प्रश्न पूछा है कि एसएमएस से रजिस्टर कैसे करें। तो भाई जैसे किस तरह की जानकारी के लिए हमसे बने रहिए, क्योंकि अभी आपने अगर ये वीडियो हमारा देखा है तो आपको पता चलेगा कि ओटीपी के बारे में हमने अभी आपको कुछ बताया है। और भी इसके सारे डिटेल्स के लिए, कंप्लीट डिटेल्स के लिए हमसे बने रहिए। जैसे दैनिक भास्कर छपेगा हम आपको उसके साथ आप शेयर करेंगे। तो बताइएगा आपको ये दैनिक भास्कर का क्वेश्चन आंसर जो सीरीज हमने स्टार्ट किया कैसा लगा। इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर जरूर करें। तो गाइस अपने भाई का चैनल इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, ग्रुप पे शेयर जरूर करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।